हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े जान से मारने के लिए किया पीड़ित पर बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग, हुआ मिसफायर, 2 हुए घायल, पुलिस ने मामला दर्ज किया। साउथ ईस्ट दिल्ली के निजामुद्दीन थाना क्षेत्र इलाके में बुधवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब भोगल इलाके में अचानक एक एक कर 3 राउंड फायरिंग की आवाज गूंजी। फायरिंग के तुरंत बाद स्थानीय टेंट हाउस के मालिक ने पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग में घायल 2 शख्स को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा चलाई गई गोली किसी और की जान की दुश्मन पर थी, वो मिस फायर हो गई और इसमें स्थानीय मजदूर और ऑटो ड्राइवर को गोली लग गई। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश खुलेआम वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। ताजा मामला साउथ ईस्ट दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के भोगल इलाके का है, जहां बुधवार की दोपहर करीब 1:30 बजे 2 बदमाशों द्वारा बीच बाजार में बैंक के बाहर खड़े एक शख्स पर लगातार 3 राउंड फायरिंग की। पीड़ित की किस्मत ने साथ दिया, वह फायरिंग में बाल बाल बच गया। मिस फायर पहली गोली पास के टेंट हाउस में काम करने वाले एक मजदूर को लगी, वहीं दूसरी गोली चाय पी रहे एक ऑटो ड्राइवर को लगी, वहीं तीसरी गोली दुकान में जा लगी। घायल दोनों शख्स को पास के अस्पताल एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां घायल मजदूर की पहचान 18 वर्षीय मोहम्मद गुलजार के रूप में हुई है। वहीं दूसरा घायल ऑटो ड्राइवर जिसकी पहचान 24 वर्षीय नीरज के रूप में की गई है। वारदात के बाद मीडिया से बात करते हुए पीड़ित शख्स जिसका नाम निखिल है, उसने बताया कि बदमाश उसे मारने आए थे, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो मिस फायर हो गई। वह एटीएम में पैसे जमा कराने के लिए आया था, लेकिन पैसे जमा नहीं हुए, जिसके बाद वह एटीएम के बाहर आकर खड़ा हुआ था कि इस दौरान एक बाइक पर सवार 2 बदमाश आए और उनके ऊपर एक एक करके लगातार 3 राउंड फायरिंग कर दी। आगे पीड़ित ने बताया कि उसके ऊपर हमला करने वाला दिलावर और अमन डैमेज नाम के व्यक्ति ने किया। पहले भी वह कई बार उसके साथ मारपीट कर चुका है। अभी हाल ही में 2019 में जेल से छूटकर बाहर आया था। स्थानीय शख्स ने बताया कि वारदात वाली जगह से कुछ ही दूरी पर पुलिस बूथ है और इस तरह दिन दहाड़े 20 बाजार 20 सड़क पर फायरिंग होना दिल्ली पुलिस के कार्यकलाप पर बड़ा सवालिया निशान उठता है, जिसे दिल्ली पुलिस को सुधारनी पड़ेगी। आपको बताते चलें कि पीड़ित निखिल अभी मर्डर केस में जेल गया था, 2 महीने पहले ही बेल पर बाहर आया था। पुलिस पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत देने के बाद एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है, जिसे जल्द पकड़ने का दावा किया जा रहा है। सुने बाइट। बताइए सर, मैं अपना बिल जमा कराने के लिए एटीएम बैंक गया था, अपने पैसे जमा कराने के लिए। पैसे जमा कराने के लिए बैंक में मशीन खराब थी तो मैं पैसे जमा नहीं करा पाया। उसके बाद मैं बाहर आके रामा टेंट पे खड़ा हुआ चाय की दुकान पे, तो 2 बंदे आए, दिलावर और अमन डैमेज। इन दोनों ने मेरे ऊपर फायरिंग की, उसने 3 फायरिंग की, तीनों में से एक पहला फायर किया, वो एक रामा टेंट पे लड़का काम करता था उसके लगा, दूसरा फायर किया उसमें एक नीरज नाम का लड़का था उसके लगा, फिर तीसरा फायर जैसे ही किया उसमें वो मिस हो गया, किसी के नहीं लगा, वो एक दुकान के अंदर जाके लगा। क्यों आप क्यों मारना चाहते हैं आप? सर मेरे पे एक मर्डर केस लग रहा है, उसका बदला लेने के लिए मेरे पे फायरिंग। अच्छा, हाँ जी सर, मैं तो यहाँ पे फिलहाल था नहीं उस टाइम पे जब वारदात हुई, यहाँ पे था नहीं, जब आके देखा तब ये वारदात हो चुकी थी। आप इतना तो पता है कि गोली जो है गरीब मजदूर को लगा? गरीब मजदूर को लगी है, तब पता है। अच्छा, गलती होना नहीं चाहिए था। क्या कहेंगे, पुलिस बूथ बगल में, पुलिस बूथ तो बगल है, पुलिस को सब कुछ पता होती है, सब जैसे सब कुछ पता होती है, करने के लिए कोई आता तो नहीं यहाँ पे, पता तो सब कुछ होता है। कितने बजे गोली चली थी? दोपहर के आसपास होगी, 1:30 बजे के आसपास। अच्छा, देखिए हम अपने ऑफिस में बैठे थे, गोली चलने की आवाज आई, बाहर गए, पता चला कुछ 2-3 लड़के थे जिन्होंने गोली चलाई है। ये हमारा वर्कर वहीं बैठा हुआ था और इसके और एक स्कूटर वाले लड़के गोली लगी, और
फिर हमने फटाफट पुलिस को फोन किया, पुलिस से कहाँ पर गोली लगा था? कमरे के पीछे लगा। अच्छा, कितने लोगों को गोली लगा? दो लोगों को और दूसरा का क्या नाम था? मैं नहीं जानता, फीमेल स्कूटर वाला। अच्छा।